डैडी आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाय बेबी, क्या बात है, आज बहुत खुश हो तुम? डैडी मुझे प्यार हो गया है। मदर टेरेसा जैसी रहने वाली तुम, तुम्हें किससे प्यार हो गया बेटी? अभी दिखाती हूँ। हाँ सत्यम। हाँ ये है वो। डैडी मत चिल्लाओ, बुरा लगेगा ना, मुझसे 3 साल छोटा है फिर भी मुझसे प्यार करता है, पता है ना? ये तुमसे 3 साल छोटा नहीं है बल्कि मुझसे भी 8 साल बड़ा है ये। What? हाँ, मैं प्रूफ कर दूंगा। ये सब लोग कौन है पता है तुमको? पता नहीं। इसके ही मुंह से उगलवाता हूँ, चल बोल। मेरी बीवी, मेरी डार्लिंग जानू। ये प्रेम पुराण बाद में करना। ये कौन है बता? मेरा बड़ा बेटा मोहन बाबू। ये कौन है? छोटा बेटा चुन्नू बाबू। डायलॉग किंग मोहन बाबू और कॉमेडी किंग बाबू मोहन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सर, इसीलिए मैंने उन दोनों के नाम पर इन दोनों का नाम रखा है सर। ये टीवी का कॉमेडी शो नहीं है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। वो कौन है बता? मेरा छोटा भाई। अब देख लिया ना तुमने? छी छी। ये कौन है? मेरी बेटी। ये इसकी बेटी है, देखा ना? ये कौन है? मेरा पोता। ये इसका पोता है, पोता है इसका। अब ये कौन है बता? मेरा क्लासमेट। चाकू दो सर, इसे मार डालता हूँ। कृष्ण मूर्ति रिलैक्स। ये लड़की कौन है पता है? इनकी बेटी है। ये कौन है पता है? इसका क्लासमेट। इसने अपने क्लासमेट की बेटी को नहीं छोड़ा, उसके साथ प्यार का नाटक किया। इस उम्र में इसने कितनी लड़कियों के साथ प्यार का नाटक किया है। अरे बेटी बेटी क्या हुआ बेटी? अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो जान से मार डालूंगा तुझे, याद रखना। अरे तूने मेरी बेटी को जो शौक दिया उसके लिए तुझे मैं क्या करूँ, शौक देना होगा इसे। तेरा सीक्रेट जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा, तुझे सोने भी नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। कैसी मीटिंग चल रही है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों भाई गोविंद, सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान को डरा कर आ गए? अपने डर को भगाने के लिए ही मैं भगवान के पास जाकर आया हूँ। किस बात का डर है? न पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, न गैर जिम्मेदार पति हो, न डरपोक पुलिस वाले हो, मुझे नफरत है। बात तो सुनिए सर। शट अप, शट अप। डर शब्द मेरे सामने फिर कभी मत बोलना, मुझे इससे नफरत है सर। जब मौत मेरे सामने हो मेरी आंखों में डर नहीं होना चाहिए, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए और मेरे मूंछों पर मेरा हाथ होना चाहिए। वैसे भी राउडी और गुंडू से मैं डरता नहीं हूँ सर। सर ये तो कोई फिल्म का डायलॉग लग रहा है। राउडी राठौर फिल्म में रवि तेज का डायलॉग है सर। हाँ, ओके ओके, राउडी राठौर का डायलॉग है सर। वो फिल्म देखने के बाद ही मैं यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। ओह वेरी गुड, तो आजकल फिल्में इंस्पायर कर रही हैं। गुड। अच्छी फिल्में, अच्छी किताबें, अच्छे इंसान जिंदगी में रास्ता दिखाते हैं। पर सर आप तो पूछे बिना ही मेरी जिंदगी में आदर्श बन गए सर। हाँ पर आपकी उम्र हो गई है, पर 6 महीने में आप रिटायर होने जा रहे हो। आपके बाद आने वाला ऑफिसर कैसा इंसान होगा ये डर के अलावा और कुछ नहीं है सर। कुछ भी हो गोविंद, तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो भाई। हाँ, जाओ कॉफी लेकर आओ, पीते पीते बात करते हैं। ओके सर। नमस्ते सर। आप लोग कौन है मैडम? मेरा नाम सावित्री है। ओहो, और ये कौन है? मेरा बड़ा बेटा मोहन बाबू, छोटा बेटा बाबू मोहन। सर। तो आपके पति NTR हैं? उनके जैसे दिखते हैं। बाप रे, सबके सब महान हैं। आइए बैठिए। आओ माँ। बैठिए बैठिए। हाँ बताइए क्या बात है? मेरे पति खो गए हैं सर। कैसे, कहाँ, कब? 1 हफ्ते पहले घर में झगड़ा करके वो चले गए थे सर। किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे, आ जाएंगे। सर कॉफी। सर कॉफी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। हाँ आप बताइए। रिश्तेदारों से भी पूछ लिया सर, किसी के यहाँ नहीं गए हैं, इसलिए डर लग रहा है सर। हम्म,
अरे बेचारा, इस उम्र में कहाँ गए होंगे वो? उनकी कोई फोटो है आपके पास? हाँ, दिखाना। कहाँ है? ये रहा। ये लड़का कौन है? आपका तीसरा बेटा है? नहीं सर, ये मेरे पति हैं सर। जरा ठीक से देखिए मैडम। 42 साल पहले इनके साथ घर बसाया था मैंने। मेरे पति कौन है मुझे पता नहीं क्या? यही मेरे पति हैं। शट अप! ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, पुलिस स्टेशन है। ज्यादा बकवास की तो अंदर बंद करके हड्डी तोड़ दूंगा। ये तुम्हारा पति है? इतना बड़ा पागल दिख रहा हूँ क्या मैं तुमको? ए! चमड़ी उधेड़ दूंगा। सर, मेरी माँ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी माँ ने सच कहा, ये मेरे पिता ही हैं। एक बार जरा खड़ा हो जा। तेरी तो मार डालूंगा, याद रखना। सर, रिलैक्स। ये तेरा पति कैसे हो सकता है? तेरे तीसरे बेटे जैसा दिखता है। क्यों सर, मार क्यों रहे हैं? ये हमारे पिता ही हैं। क्यों रे, तो दूसरा बेटा है ना? हाँ सर। तेरी तो गेंडे। रे, मैं पागल हो जाऊंगा अगर यहाँ एक मिनट भी रुके ना, तो मैं क्या करूंगा पता नहीं। जाओ। सर 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 सर, आप फिक्र मत करिए, मैं भेज देता हूँ सर। अब बैठिए बैठिए। अरे गोविंद, जरा इसको देखो भाई, ये लड़का इसका पति हो सकता है क्या? इन दोनों का पिता हो सकता है क्या? मुझे भरोसा करना चाहिए क्या? कॉन्स्टेबल, जरा देखो भाई। अरे गोविंद, मैंने क्या दिखता हूँ यार? क्या दिखता हूँ? तुम क्यों मैडम, क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए। मेरे पति खो गए हैं, इसीलिए यहाँ आई तो मेरा अपमान कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है सर? वो सब छोड़ो, अब मैं सच का पता लगाता हूँ। बैठ जाओ। अब मुझे बताओ, इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? ये मेरे पति है सर। अच्छा, मुझे एक डाउट है, इसके पैदा होने से पहले शादी की थी या पैदा होने के बाद? जी जी, हमारी संस्कारी फैमिली है सर, ऊपर से लव मैरिज है। क्या कहा? लव मैरिज सर। देखो, लेग और लेंथ लेकर आया, बनाया खाया, बात खत्म हो गई। सिंपल बात है, कहाँ गया है, कब गया है, क्यों गया है, ये बताओ मुझे। कुछ समय पहले की बात है सर, शुक्ल पक्ष एकादशी थी, उस दिन श्रावण का शुक्रवार था सर। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुव। मेरे पति सत्यमूर्ति का ध्यान रखना भगवान। सुनिए सुनिए, उठ जाइए, सुबह हो गई है। इस सूरज का भी कोई धंधा नहीं है क्या? जब जाता है तो सबको सुला देता है और जब आता है तो सबको उठा देता है। ये भी अरे ये क्या, भगवान को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? वैसे भी श्रावण शुक्रवार है आज। नई नवेली दुल्हन की तरह तुम सुबह सुबह उठकर ये पूजा पाठ क्यों कर रही हो? अब तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में? 63 की उम्र के हो गए हो, फिर भी कुमारे लड़के की तरह बातें करते हो। जब ऐसी तारीफ करती हो ना, तो मेरा दिल कहता है कि आई लव यू टू मच। जी जी, बेशरम कहीं के, ऐसी बातें कोई करता है क्या छोटे बच्चों की तरह? अब बस भी करो, तुम्हारी ये नौटंकी हमसे देखी नहीं जा रही है। इसने फिर से बकवास चालू कर दी। रिटायरमेंट के उम्र में हनीमून की जोड़ी की तरह बेडरूम में घुसे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो ऐसे ही कहेगा, आप कॉफी पी लीजिए ना।
ये कभी सुधरने वाला नहीं है। मेरी समस्या आपको कैसे बताऊं? मेरे दोस्तों की शादी हो गई और उनके बच्चों के लिए भी रिश्ता देखा जा रहा है और मुझे इस कलर के साथ घर बसाना पड़ रहा है। लेकिन हमारी शादी तो नहीं हो रही है ना? 38 का हो गया हूँ मैं 35 साल का हो गया हूँ, लेकिन क्या फायदा, पूरी जवानी बर्बाद हो रही है मेरी। अरे बस करो, पापा से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे कोई बात नहीं, जो भी इनकी बातें हम सुन लेते हैं। बात ये नहीं है जी, पहले ही देर हो गई है, किसी भी तरह इस साल बड़े बेटे की और आने वाले साल में छोटे बेटे की शादी करवा ही देते हैं। तुम्हारी बात क्या कभी मैं टालूंगा? ठीक है, करवा देंगे। अरे आ गए। आओ डार्लिंग। हाँ। आराम से उतरो। हाँ हाँ ठीक है, आप संभल कर रहिए। नमस्ते बेटा। दुल्हन के पिता है। नमस्ते। होने वाला दामाद हीरो लग रहा है। दिस इज सत्यम, क्लास टच मास कटआउट। दुनिया में कोई नहीं होगा दूसरा मेरे जैसा इंसान। बातें भी गोली की तरह निकल रही है। इनसे मिलिए, ये हैं दूल्हे की माता जी। नमस्ते दीदी। आइए अंदर आइए। चलिए चलिए। हाँ, बैठिए बैठिए। बड़ी माँ, छोटी माँ, दीदी, बहना, ममेरी बहन, जीजू, चाचा, सब आ जाइए। हम लोग यहाँ लड़की देखने आए हैं या फिर शादी में आए हैं? बात ऐसी है ना बेटा, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमारी इकलौती बेटी है, तो उस लड़की के लिए लड़का देखना है तो सबका रहना जरूरी है। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। दूल्हा तो बड़ा अच्छा है। अच्छा है ना? सुना क्या, दूल्हा अच्छा है, ऐसा बड़ी माँ कह रही है, बेटी को लेकर आओ। आ रहे हैं जी। दूल्हा किसे समझ रहे हैं ये लोग? हाँ दूल्हा अच्छा है। दूल्हा बहुत ही अच्छा है, छोटी माँ ने कहा है, लड़की को लेकर आओ। दूल्हा सच में बहुत अच्छा है। सुना, दूल्हा अच्छा है, चाची ने कहा है, लड़की को लेकर आओ। अरे मैं दूल्हा नहीं हूँ। जीजू, दूल्हा सच में बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? सुना, दूल्हा अच्छा है, मेरी बहन ने कहा है, लड़की को लेकर आओ। पापा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अरे मुझे नहीं, मेरे बेटे को देखो। क्यों रामैया, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा है भैया जी। बेटी, दूल्हा पसंद आया कि नहीं? सत्यानाश हो गया, अब मैं क्या करूं? दुल्हन को लड़का पसंद आ गया, हमारे पूरे परिवार को पसंद आया है। बस करो, बस करो। दूल्हा मैं हूँ, दूल्हा मैं हूँ, यहाँ ये मेरी माँ है, दूल्हा मैं हूँ, ये मेरा भाई है, यहाँ दूल्हा मैं हूँ, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते। दूल्हा मैं हूँ, दूल्हा मैं हूँ, मैं हूँ, सुना तुमने? बात तो सुन बेटा। दूल्हा मैं हूँ, मैं ही हूँ दूल्हा, समझ में आया तुम लोगों को? मैं हूँ दूल्हा। पंडित जी, जी जरा यहाँ तो आइए। बोलिए। संस्कारी फैमिली लेकर आने के लिए कहा था, ऐसी टेढ़ी फैमिली क्यों लेकर आए? अरे बापे, अब एक पल भी और यहाँ रुके तो इनकी और तुम्हारी चमड़ी उधेड़। वो अंकल दूल्हा तू है, बता है मुझे, जाओ। छी, लगता है इस जन्म में मेरी शादी ही नहीं होगी। छी। अरे अरे अरे, अरे अब इसे क्या हो गया, ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे इतना अपमान होने के बाद गुस्सा नहीं आएगा तो क्या, खुशी होगी उसे। लेकिन गुस्सा करके भी क्या होने वाला है डार्लिंग, सब आपके कारण हुआ है बेटा। अब मैंने क्या कर दिया,
अरे तुम पिता लगते हो क्या? छोटे लगते हो, कुछ साल बाद तो बेटे लगोगे। किस्मत किस्मत। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक चीज बताऊँ करोगे क्या? हम अपने सफेद बालों पर काला रंग लगाते हैं और आप अपने बालों पर सफेद रंग लगाइए। बेटा, मोहन बेटा, ये क्या बेटा, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, काशी के लिए सीधा टिकट कटा रहा हूँ। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं क्या? ये लड़की नहीं तो कोई और मिल जाएगी। क्या माँ, ये छोटी बात है, ये छोटी बात है। उनको देखिए आराम से बैठे हैं। सुनिए, बोलो बेटा, क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना? अरे सावित्री, तुम शांत हो जाओ, वो मरने वाला नहीं है। फैन टूट के गिर जाएगा लेकिन वो नहीं मरेगा। ये क्या जी, ऐसे कह रहे हैं जैसे गृह प्रवेश कर रहे हैं। पापा, अरे बोलो ना, असल में तुम पापा हो क्या? इस बात का डाउट मुझे नहीं, अपनी मम्मी से पूछो। माँ, ये क्या जी, आप भी बच्चों की तरह बच्चों को सबक सिखाने के बजाय सही क्यों कह रहे हैं? वो अगर ऐसा फील करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो, कोई रास्ता है मेरे पास, बोलो ना। करेंगे क्या? करेंगे ना। करेंगे क्या? करेंगे, बोलो क्या करना है। तो फिर सुनिए, अगर चाहते हैं कि आपके दोनों बेटे शादी करके बीवी बच्चों के साथ खुश रहें, तो आप दोनों को सत्यनारायण पूजा करानी होगी, वो भी पेपर में ऐड देके। मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं करूंगा। ताकि दूसरी लड़कियों के साथ घूम सको। तुझे बताने की जरूरत मुझे नहीं है, मैं नहीं करूंगा बस। क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन क्यों नहीं? मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जानू, मम्मी देखा ना आपने? देखो ना, मेरी बात सुने बिना ही चले गए। शास्त्री जी, एडवोकेट सीताराम शास्त्री। मैं चाय की दुकान में नहीं आया हूँ, एडवोकेट से ही मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो फिर आइए, आकर बैठ जाइए। टेक योर सीट। बोलिए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी बीवी को मुझे तलाक देना। क्या कहा? अचार बनाने जैसा तलाक देने की सोच रहे हो क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। बच्चों की शादी नहीं हो रही है। क्या कहा? मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। इसकी एज के मुताबिक तो केस बनता ही नहीं, इतनी जल्दी बच्चों की शादी। हाँ? वैसे बेटा, बाल विवाह कानून लागू हुए बहुत साल हो चुके हैं। अरे कैसा बाल विवाह, मेरे बेटे 30 पार कर चुके हैं और 40 के अंदर काफी बड़े वो दोनों हैं। क्या इतनी उम्र है? हाँ इतनी उम्र है। सुबह सुबह मेंटल गले पड़ गया, क्या करें, सहना तो पड़ेगा। अब मतलब बेटा, इस विषय में तुम्हारी बीवी से डिस्कस करके फिर हम केस के बारे में सोचते हैं, ओके है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलते हैं। ये है मेरा घर। घर तो बहुत ही बढ़िया है, पर इंसान तुम थोड़े टेढ़े लग रहे हो। मैं हूँ सत्यम, क्लास टच मास कट आउट, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा इंसान। पता चल रहा है कि तुम थोड़े मेंटल। आइए बैठिए ना, वाटर लेंगे? मेरा मतलब वाटर लेंगे। वाटर नहीं चाहिए, क्वार्टर नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए, पहले अपनी बीवी को बुलाओ, मैटर सॉल्व करते हैं। डार्लिंग, 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 डार्लिंग बोल रहा है और डिवोर्स चाहिए, ये तो बहुत ही टेढ़ा लग रहा है भाई। डार्लिंग। हाँ। लॉयर आए हैं, तुम बाहर आ जाओ जल्दी से। लॉयर जी? लॉयर जी किस लिए? बेटा बेटा बेटा, तुम्हारी माँ को नहीं, तुम्हारी बीवी को बुलाओ। ये औरत मेरी बीवी है। क्या हुआ पापा? ये देखो, ये दोनों है मेरे बेटे। अरे इन्हें क्या हो गया, अचानक से क्यों गिर गए ये? मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने तो बस पूछा था, ये तो बिना पिए ही बेहोश हो गया, ना वाटर लिया ना क्वार्टर लिया, डर्टी फेलो। लॉयर जी, लॉयर जी, लॉयर जी, लॉयर जी। अरे वकील साहब। अरे सुनिए, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये सब? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, एक मिनट। लॉयर जी, लॉयर जी, इनकी समस्या क्या है? ये गेटअप कैसा है, ये सेटअप कैसा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये है मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, इसे मेरी बीवी और बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर देना, ये रही आपकी फीस। डार्लिंग जानू, बच्चों का ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रहे हैं? बिन मंजिल का सफर, बिना दिए का घर, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊंगा मैं। पापा जी, मुझे आवाज मत दो, मैं ये त्याग करके रहूंगा, आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ ना, मुझे तुम यहाँ से जाने दो, तुम लोग सुखी रहो। हाँ। मैं जाता हूँ। पापा, हमारे पापा। हाँ बेटा। अब इनका क्या करे? और उस दिन वो जो गए,
उस दिन से वापस ही नहीं आए सर। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना? मैं कोई राइटर या डायरेक्टर नहीं हूँ ना सर, जो कहानी सुनाऊंगी। ये सच्चाई है सर। देखो, सूर्य पूर्व में उगता है, जितना सच ये है उतना ही सच ये भी है कि ये तुम्हारा पति नहीं है। तुम मुझे रॉन्ग ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रही हो, मैं समझ गया। मैं सच्चाई साबित कर दूंगा। कहाँ है रे तू, कहाँ गायब है? ए, हीरो तू नहीं, मैं हूँ। इसकी तो ये रही आपकी चुन्नी। चुन्नी उसकी नहीं है, मेरी है। हाँ तो फिर आप रख लीजिए। सारी पहनने वाली लड़कियां भी चुन्नी पहनती हैं क्या? हे, तुमने पता लगा लिया? तुम अपने काम से काम रखो। थैंक्स। हाय, दिस इज सत्या, सत्यमूर्ति। कोई जवाब नहीं दे रही है। सत्या, सत्यमूर्ति। आई एम मधु, डॉक्टर मधुमती। ओके, डॉक्टर। साड़ी बहुत अच्छी है आपकी। मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ? ऐसा कब कहा मैंने, आप तो बहुत सुंदर हैं, हीरोइन लगती हैं, सुपर डुपम बेस्टम बेस्ट टॉपम टॉप। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, दरअसल आप बहुत खूबसूरत। मतलब तुम्हारी तारीफ से मैं पट जाऊंगी क्या? अरे आप डॉक्टर हैं, इतनी आसानी से नहीं पटने वाली हैं, थोड़ा तो चक्कर लगवाएंगे ना। ये पाउडर वाटर में मिला के 3 बार पी लेना, ठीक हो जाएगा। ओके मैडम। नेक्स्ट, क्या प्रॉब्लम है? 2 दिन से कुछ खा नहीं रहा है मैडम, पता नहीं क्या हुआ इसे। ये लिक्विड पिला दीजिए, ये दवाई ले लीजिए। ठीक है मैडम। नेक्स्ट। क्या प्रॉब्लम है? ये अंडा नहीं दे रही है। तुम बच्चे पैदा करो, मैं इससे अंडा पैदा करती हूँ। मिस्टर इंटेलिजेंट, वो एक मुर्गा है, मुर्गी नहीं है जो अंडा देगी। ये मुर्गा है क्या? गलती हो गई। जाओ। यूजलेस फेलो। ये मॉर्निंग और इवनिंग। ठीक है मैडम। नेक्स्ट। दोबारा क्यों आ गए हो? इसके लिए। इसे क्या हुआ? कुत्तियों को देखकर चीख रहा है ये। तो अब इसमें मैं क्या करूं बोलो? कुछ भी करके इसका चीखना बंद करवा दीजिए। ये रोग नहीं तो है। फिर? नेचर। ऐसा क्या? मुझे भी यही लगा था, जहाँ लड़की देखता है वहीं चालू हो जाता है। What do you mean? आपको जो समझ में आया बिल्कुल वही। Get out from here. I will come back soon. Bye. Stupid. गुड मॉर्निंग। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरा नहीं, प्रॉब्लम बाहर है। अब क्या लेकर आए हो? वो अंदर नहीं आएगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। चलिए। इसका क्या करूं? ट्रीटमेंट करना होगा। नहीं करोगी ऐसा मत बोला, तुम गवर्नमेंट डॉक्टर, तुम्हें सीरियसली काम करना ही होगा, वरना ऑनलाइन कंप्लेन हो जाएगी, तुम्हारी नौकरी तक जा सकती है, याद रखना। अच्छा, ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, ब्लू क्रॉस ट्रीटमेंट करने को बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? ये दूध नहीं दे रही है। She is pregnant. अरे बाप रे, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई?
वैसे ये भैंस किसकी है? मेरी है मैडम। तो ये क्यों लेकर आया है? मुझे नहीं पता है। देखो, किसी ना किसी बहाने से बार बार मेरे पास आकर मुझे परेशान किया ना, तो ये भैंस को देने वाली इंजेक्शन तुम्हें घुसा दूंगी, समझे ना? भले ही मैं मर जाऊं, हर जन्म में सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा मैं। आई लव यू। नेक्स्ट। मैडम सब खत्म हो गया है मैडम। ये अब तक आया क्यों नहीं? कोई भी लड़का हो ऐसे ही पीछे पड़ जाते हैं और करेक्ट इम्प्रेस होने के टाइम पे चले जाते हैं। नहीं पटूंगी बोल के ये पट गई। लड़कियां ऐसी ही होती है, नाना करते प्यार करने लगती हैं। किसी की राह देख रहे हैं क्या मैडम? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, भले ही मैं मर जाऊं, हर जन्म में सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा मैं। आई लव यू। ये मुझे याद क्यों आ रहा है? टाइम हो गया है मैडम, हॉस्पिटल क्लोज कर दूं क्या? ठीक है, कर दो। नेक्स्ट। दोबारा आए हो क्या? आना तो पड़ेगा ही। आज क्या लेकर आए हो बोलो? लेकर नहीं आया हूँ, ले जाने आया हूँ। क्या लेना है? मेरा दिल। What? मेरा दिल आपके पास है, उसे ले जाने आया हूँ मैं। अच्छा, कॉमेडी? मैं बहुत सीरियस हूँ, मेरा दिल आपके पास है, मैं उसे ले जाने के लिए आया हूँ, कॉमेडी क्यों करूँगा मैं? दे दीजिए ना, सुनिए ना, दिल वापस कर दो ना मेरा। देखो, ये कहानी सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है, इसलिए टाइम वेस्ट किए बगैर मेरा दिल मुझे वापस कर दो। इमेजिनेशन अच्छा है, लेकिन एक करेक्शन है। कैसा करेक्शन? मैं वेटरनरी डॉक्टर नहीं हूँ, जनरल फिजिशियन। मैंने एक बढ़िया सा सिनेमा तुम्हें दिखाया, उसके बाद भी तुम मुझे झूठ बोल रही हो, ये नाइंसाफी है मधु, सच्ची बताओ ना। तुम पहले ही पूछ सकते थे ना। फिर भी कोई परवाह नहीं, आई लव यू। सुंदर लोकेशन में एक सुंदर लड़की नजर आ गई तो कोई भी लफंग आकर आई लव यू बोल देगा, तो मैं मान जाऊंगी कोई गुड़िया नहीं हूँ। मधु, डॉक्टर मधुमती। हेलो डॉक्टर, माय हार्ट इज मिसिंग। हेलो डॉक्टर। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। मेरा दिल भी कितना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। समझते हुए भी ना समझना लड़कियों की फितरत होती है। सच्ची कहो ना, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? अच्छा, ना? प्रूफ करो। रिपोर्ट देखकर बताने वाली ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्यार है। दिल मिलने पे जो वाइब्रेशन पैदा होती है उसे प्यार कहते हैं। वो दिखाई नहीं देती, बस महसूस की जाती है। तो अब क्या करें? मुझसे प्यार करके बैटर खत्म कर दो। तुम्हारी उम्र क्या है? 25 years। मेरी उम्र पता है क्या? तुमने अभी तक बताया ही नहीं। 28 years। तो क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर से अंजलि तेंदुलकर 6 साल बड़ी है, उन्होंने फिर भी प्यार किया ना। अभिषेक बच्चन से ऐश्वर्या 2 साल बड़ी है, फिर भी उन्होंने प्यार किया। ढूंढने जाओगी तो हमारी सोसाइटी में ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे तुमको। लव इज फॉर एवर वेयर एवर वेन एवर इट्स नेचर। कोटेशन अच्छा है, जरा दोबारा रिपीट करना। फ्लो में निकल गया था, बार बार नहीं बोल पाऊंगा। पढ़ाई में वीक हो क्या? लव में फर्स्ट हूँ मैं। बट वन कंडीशन। बोलो ना डार्लिंग। ये डार्लिंग, जानू, शोना कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ मधु बुलाओगे मुझे। ओके मधु। मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, मुझसे छोटे लड़के से लव करना मतलब थोड़ा गिल्टी होगा, इसीलिए मेरे फ्रेंड्स अगर कोई पूछे मेरी एज तुम्हारी, तुम्हारी एज मेरी, ओके ना? सब मंजूर है, तुम बस प्यार करो मुझे। अब से मैं जो बोलूं तुम्हें वही करना होगा। मतलब कुत्तों की तरह मुझे दुम हिलानी होगी? यही ओवर एक्शन नहीं पसंद। ठीक है मधु, जैसा कहोगी वैसा करूंगा, ओके ना? दैट्स गुड। पहले ये बाल कट करो। ठीक है ना, कट जाएंगे। वाओ, ये पार्टी, ये पब, क्या बात है, मजा आ रहा है। हे मधु, वो देखो, वो कितना अच्छा। हे मधु। हे, कैसी हो तुम? आई एम गुड,
And he is my... I'm Satya, Satyamurti at the age of 28 years. He is Madhu, Madhumati at the age of 25 years. Huh? गीता के पास जाकर आती हूँ। पागल हो? उन्होंने तुमसे एज पूछी थी क्या? अरे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर मधु। हे मधु। हाय। कौन है ये लड़का? बहुत स्मार्ट दिख रहा है। आई एम सत्या सत्यमूर्ति एट द एज ऑफ 28 इयर्स। शी इज मधु मधुमती एट द एज ऑफ 25 इयर्स। सत्या ना हमेशा कॉमेडी करता रहता है। चलो यहाँ से। उन्होंने तुम्हारी एज पूछी थी क्या? नहीं पूछी। तो तुमने क्यों बोला? मुझे लगा कि बोल देना चाहिए। मत बोलो, अगर कोई पूछेगा तभी बताना है। ओके ना? ओके। चलो। हे गीतू, हैप्पी बर्थडे। हे, थैंक यू। कौन है ये लड़का? कितना क्यूट है ये। आई एम सत्या सत्यमूर्ति एट द एज ऑफ 28 इयर्स। शी इज मधु मधुमती एट द एज ऑफ 25 इयर्स। इसकी तो नो 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 नो, क्योंकि उसने मुझे क्यूट बोला था इसलिए मैंने पहले अपनी एज बता दी। कल रात की पार्टी में तुमने मेरी पूरी इज्जत खराब कर दी। अक्कल है क्या तुम में? ये क्या रोबोट की तरह हाय आई एम सत्या सत्यमूर्ति एट द एज ऑफ 28, शी इज मधु मधुमती एट द एज ऑफ 25। ऐसे कहोगे तो किसी को भी शक होगा, है ना? क्यों, मैंने ठीक से नहीं बोला था क्या मधु? मुंह बंद रखो, चलो। पंडित जी अर्चना कीजिए। ठीक है बेटी, अपना नाम और गोत्र बताओ। I'm सत्या सत्यमूर्ति एट द एज ऑफ 28 इयर्स। शी इज मधु मधुमती एट द एज ऑफ 25 इयर्स। बेटा अपनी उम्र क्यों बता रहे हो? नाम और गोत्र बता दो, काफी है। तेरी तो क्या है कि बोल बोल के मुझे आदत सी हो गई है, कितना भी कंट्रोल करूं मुंह से बार बार निकल रहा है। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जाओ मधु। ए जाओ। मुझे जाने को बोलकर वो खुद क्यों चली गई? मधु, विल मीट यू टुमारो, आई लव यू। अरे ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बिजली का शॉक दे रहा हूँ। इसलिए सर, ताकि सच्चाई बाहर निकले। आपने कोई झूठ नहीं बोला सर, हम सच कह रहे हैं। अब असल सच्चाई बाहर आएगी। बोलो बोलो, कौन है ये? मेरे पति है सर। गोविंद सर, स्टार्ट। स्टॉप। ओके। अब बताओ मैडम, ये लड़का कौन है? मेरे पति है सर। स्टार्ट। बोलो 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 बोलो, कौन है? बोलो। स्टॉप। बोलो जल्दी बोलो, ये लड़का कौन है? मेरे पति है सर। गोविंद, गोविंद। सर रेडी है सर। बोलो 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 बोलो, स्टॉप। बोलो ये लड़का कौन है? मेरे पापा है सर। स्टॉप गोविंद। बोलो बोलो बोलो, सच बताओ। स्टॉप। अब बताओ ये लड़का कौन है? मेरे पापा है सर। गोविंद, नेक्स्ट। मत कीजिए सर, सर। मत कीजिए सर, सर। चल बता, ये लड़का कौन है? ये मेरे गोविंद, पापा है। बता 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 बता। चल अब बता, ये कौन है? मेरे पापा। गोविंद स्टार्ट। रेडी सर। बता 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 बता। स्टॉप। अब बता जल्दी, कौन है ये? मेरे पापा। गोविंद स्टार्ट। स्टॉप। ओके सर। अरे अब बता, कौन है ये? मेरे पापा। इसकी तो गोविंद स्टार्ट। स्टॉप। कौन है ये बताओ? हमारे पापा। सर
इतना टॉर्चर करने के बाद भी यही बात कह रहे हैं सर, लगता है सच कह रहे हैं। सर इसको देखकर बताओ। यकीन नहीं हो रहा है सर। मेरी भी समस्या वही है। ओके सर, आप बता दीजिए, मैं रेडी हूँ। तुम्हारे मुंह से सच कैसे उगलवाना है मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हारा कोई दोस्त या रिश्तेदार वगैरह है क्या? हाँ सर। मूव। एक्सक्यूज मी। ये क्या सर, आप यहाँ? फिकर मत कीजिए, मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बोलिए सर। इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं अपने पति, बेटे और माँ के साथ रहती हूँ। तुम्हारे पति कहाँ पर हैं? हमारे साथ ही रहते हैं सर। तो ये किसका घर है? माँ का घर है सर। घूमने के लिए आई हो? नहीं, कोई काम नहीं है। असली बात पूछिए ना, अनाप शनाप क्यों बोल रहे हैं? आवाज़ नीचे रखो, हम लोग यहाँ टहलने नहीं आए हैं। गोविंद। ओके सर। ये लीजिए सर। ये कौन है तुम्हें पता है? मेरे बड़े पापा सर। मेरे बड़े पापा। मेरे बड़े पापा को क्या हुआ है सर? पापा है ये। मेरे बड़े पापा को क्या हुआ है सर? बोलिए ना सर, क्या हुआ है उन्हें? क्या हुआ सर, मेरे बड़े पापा को बोलिए सर। क्या हुआ सर? पापा, क्या हुआ? बड़े पापा। मैं बताता हूँ, आप इसको जानते हैं? मेरे भैया, मेरे भैया है सर। बोलिए सर, क्या हुआ मेरे भैया को? क्या हुआ सर हमारे जेठ जी को? बोलिए ना सर, क्या हुआ है मेरे भैया को सर? सच बताओ, पुलिस को लाठी उठाने पर मजबूर मत करो। सच कह रहा हूँ सर, पर मेरे भैया और मुझको अलग हुए, 3 साल बीत गए हैं सर। अर्जेंटली तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ, कोई काम नहीं था इसलिए। टेढ़े मुंह क्यों बात कर रही हो तुम? तुम भी तो टेढ़े ही हो। क्या हो गया इसको? अरे बाप रे, ये यहाँ पर कैसे आ गई? अब क्या करूँ मैं? क्यों, दोनों को एक साथ देखकर शॉक लगा क्या? अरे नहीं। बोलो, कुछ पूछ रही है ना? इससे भी तुम प्यार करते हो ना? अरे बात ऐसी है कि देखो ये चाहिए या मैं चाहिए, दोनों में से कौन चाहिए तय कर लो पहले। देखो तुम दोनों ही मेरी आँखों की तरह हो, तुम मेरी दाई आँख हो और तुम मेरी बाई आँख हो, दोनों के बिना मैं कैसे देखूंगा? बहाना मत मारो, ठीक से बात करो, वो चाहिए या मैं चाहिए? देखो सवाल अच्छा है पर इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। हाँ, मुझे आम चाहिए या मुझे एप्पल चाहिए पूछोगी तो मैं कुछ बता भी सकता हूँ, पर क्या है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो। सुंदर है तो हमारे साथ खेलोगे क्या? बड़े भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर भाभी को पता चला तो बिना नमक के दाल बना के खिलाएंगी। ए चाचा जी, कौन है आप और ये क्या है? हाँ, लड़के को देखकर भैया बुला रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? मैं पागल नहीं हूँ, तुम दोनों पागल हो। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका सगा भाई हूँ मैं। क्या? क्या कर रहा है? तुझे कितनी बार बोला है कि लड़कियों के सामने मुझे भैया मत बोला कर। तो क्या मैं लड़कियों के सामने भैया को भैया नहीं बुला सकता हूँ क्या? 2 दिन के रिश्ते के लिए खून के रिश्ते से पीछा छुड़वाना चाहते हैं? देखता हूँ मैं, देखता हूँ कितने दिनों तक ये रास लीला रचाएंगे आप, मैं भी देखता हूँ। हाँ, अरे पागल। देखो बेबी, बात ऐसी है कि वो ना कुछ भी बोल रहा था। अरे सुनो तो बेबी। वो शरारत करता है पर बुरा आदमी नहीं है सर। मेरी शादी, मेरी पढ़ाई सब पिता की तरह उसने करवाया सर, इसलिए उनसे मुझे प्यार है सर। सर अब तो बता दीजिए सर, मेरे भैया को क्या हुआ सर? बताइए सर, मेरे दादाजी को क्या हुआ सर? सर, सर कुछ बता क्यों नहीं रहे? गोविंद सर, हम क्रिमिनल्स को
इलेक्ट्रिक का शॉक ट्रीटमेंट देते हैं ना? हाँ सर। मुझे दे भाई। सर मुझे दो। ठीक है सर। नहीं, उम्र हो गई है, फिर भी क्या जरूरत थी? हाँ अरे बाप रे, लगता है ज्यादा हो रहा है। अरे गोविंद सर, ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं और वो लड़कियों के साथ खेल रहा है। तुम मेरी दाई आंखों और तुम मेरी बाई आंखों, दोनों के बिना मैं कैसे देखूंगा? वो बुड्ढा उसका छोटा भाई कैसे हो सकता है यार? वही समझ में नहीं आ रहा है सर। तुम कौन हो मैडम? मेरा नाम पुष्पा है सर। यहाँ क्यों आई हो? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ सर, उन्हें ले जाकर मैंने अपने पापा से मिलवाया सर, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गए हैं सर। उस लड़के की फोटो लेकर आई हो? हाँ है सर। मुझे दिखाओ। ये देखिए। ये वही लड़का है ना जिससे तुमने प्यार किया है? हाँ सर। कहाँ पर, कैसे, कब? बताती हूँ सर। कुछ भी हो जाए, इस बार वीजा मिस नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह अमेरिका जाकर खूब सारे पैसे कमाने हैं। क्यों बालिका, अपनी इच्छाओं को लेकर तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो ना? हाँ, हाँ। ए, कौन हो तुम? जीवन को जीना छोड़ के साधुओं के साथ जीने वाला एक सन्यासी हूँ मैं। जिससे कोई काम नहीं होता वही ऐसे डिसीजन लेते हैं। देखने में तो अच्छे भले लग रहे हो, कोई ना कोई नौकरी करके सेटल हो सकते हो ना? नौकरी करने से पैसे मिलते हैं, उन पैसों से आदमी घूमता है, फिरता है, पैसे कमाता है और आखिरी में मर जाता है। ओए, ऊपर वाले ने तुम्हें कुछ अच्छा काम करने के लिए भेजा है और तुम ये कर रहे हो? ऐसा है क्या? हर एक इंसान का एक गोल, एक लक्ष्य होता है। सोचो तुम्हारा भी होगा। तुम ही लक्ष्य मेरा। पर ऐसे बेकार में जिंदगी को बर्बाद मत करो। ओके ओके, समझ आ रहा है ना? मेरी आंखें खोल दी आपने, तुम बहुत महान हो। गेटअप बदल के सेटअप चेंज करो, जाओ जाओ। जाओ का मतलब आओ। पागल, जाओ जाओ। जाता हूँ, जाओ। बाय। अरे पागल लग रहा है ये। हाँ पापा। कहाँ हो बेटी? अभी बस ऑफिस से घर जा रही हूँ। हैदराबाद कब आ रही हो? अगले हफ्ते जरूर आऊंगी। जल्दी आओ बेटी, एक सरप्राइज है। क्या है पापा? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारी शादी करवानी है, अच्छा लड़का देखा है। फोन में क्यों पापा? अरे शादी फोन पे कैसे होगी, यहाँ तो आओ। अच्छा आने के बाद बात करती हूँ। बाय बेटी। बाय। हे, कौन हो तुम? कहीं तो देखा है तुम्हें। याद कीजिए ना। सन्यासी हो ना? बिल्कुल नहीं, सत्या हूँ। हाँ? वो सन्यासी तो उसी दिन मर गया था। हे, सुपर, थैंक्स मेरी बात मानकर खुद को बदलने के लिए। वो सिर्फ बात नहीं थी, वो तो जिंदगी का सत्य था। पैदा होकर मरने के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं रखा है, फिर भी हंस के जीने का नाम ही जिंदगी है। इस बात का एहसास आपने करवाया, अब मैं भी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक खुशी है, टोटल सेटिस्फेक्शन है। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है और इन सब के पीछे एक ही इंसान है, वो आप हैं।
इसीलिए मैं आपको भूल नहीं सकता। मेरे पापा कौन है तुम्हें पता है? एसीपी, डीसीपी, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी तो नहीं है ना, क्योंकि पुलिस से मुझे बहुत चिढ़ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग नियम की बात करते हैं लेकिन लाइफ को एंजॉय नहीं करते। मेरे पापा ये सब नहीं है, कृषि विभाग में है। तब तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा। अभी ये सब रहने दो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं। तो फिर दिखाओ ना। अमेरिका का लड़का है, बाद में बात करता हूँ। हे, आओ बेटी आओ। पापा ये तुमने जिस लड़के के बारे में कहा था वो यही है ना? हाँ पापा, he is Mr. Satyam. नमस्ते अंकल। It's all right. मेरी बेटी पे बहुत लड़के लाइन मारते थे पर किसी से नहीं पटी, तुमसे पटी है। मतलब तुझमें जरूर कुछ खास बात है, पता लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा, देखना तू। Exactly पापा, सत्यम के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, हम घंटों बातें करते हैं। पर हम कभी बोर नहीं होते। ऐसा ही होना चाहिए बेटी, लाइफ में परेशानियां क्यों झेलना, लाइफ एंजॉय करके जीना चाहिए। पापा आप दोनों बात करिए, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है, जा आजा। पाय लगो हरे ससुर जी। क्या कर रहे हो, डरा दिया तुमने। सत्या मूर्ति मार डालूंगा। सत्यम कहाँ है पापा? मार दिया उसे। हा? इंडिया में इतने लोग होते हुए भी यही लड़का मिला था तुम्हें? ऐसे उस दिन सत्यम को ले जाकर मैंने मेरे पापा से मिलवाया था सर। हाँ। जितने देर में मैं कॉफी लेकर आई वो वहाँ नहीं था सर। मुझे मेरे पापा पर ही डाउट है सर। हाँ। ये क्या, ये क्या बात कर रही हो तुम? अकल नहीं है तुझमें? कॉन्वेंट में पड़ी हो पर कॉमन सेंस जरा नहीं है। पागल हो, जैसी बात करोगी तो गला घोट दूंगा, अरे फांसी चढ़ जाऊंगा, समझी? उस लड़के ने तुम्हारे साथ क्या किया? उसे लड़का मत बुलाओ, खून खोलता है मेरा। वो कौन है पता है सर? तुम्हारा नाम क्या है? सत्यम अंकल। सत्यम, सत्यम। बचपन में मेरा क्लासमेट सत्या मुरली हुआ करता था, वो बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता था। कहीं तुम उसके तो बेटे नहीं हो ना? नहीं नहीं नहीं, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, लगता था उसका गला घोट के मार डालूं। क्यों अंकल? क्योंकि वो हमेशा लड़कियों के पीछे घूमता रहता था, मैं मेहनत से होमवर्क करता था और उसकी वजह से कॉलेज में सब लोग मुझे पागल कहते थे। सॉरी यार कृष्णमूर्ति, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने। मतलब? हाँ मैं वही हूँ यार, सत्यमूर्ति। दो चोटी वाली सीता तू उसके पीछे पड़ा हुआ था, तू सोचता था कि तू उसे पटा लेगा लेकिन आखिरी में मैंने उसे पटा लिया। तुझे मैंने भोला भाला बुद्धू समझा था, तूने तो बड़ा पैसा जोड़ लिया यार, क्या बात है। तूने तो बड़ी पटाखा आइटम पैदा किया, बोले तो कातिलाना बाबा। मारना मत, मारना मत। देख तू पूरा हो चुका, तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, तुझमें उतनी हिम्मत नहीं है मेरे भाई, ज्यादा जोर मत लगा यार। सॉरी मुझे माफ कर, मैं जा रहा हूँ। अरे निकल यहाँ से। अब वो मेरा क्लासमेट है सर। मेरा क्लासमेट होकर मेरी बेटी से प्यार करता है, लेकिन ऐसा क्यों है सर? वो गोविंद स्टार। कुछ हुआ तो नहीं ना सर? मैं भी शौक में हूँ सर, उस शौक से बाहर आने के लिए आपका शौक मुझे भी थोड़ा सा दे देंगे? गोविंद। समझ गया सर, ये सब हमारे स्टेशन के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हैं? पापा नहीं, लग रहा है शौक के पहले ही टपक जाएगा, क्या मुसीबत है। अरे बाप रे, लगता है टपक गया। पापा अभी भी वो इतना जवान है, इसके पीछे कोई राज है सर, वो पता लगाना होगा। पहले इस लड़के को ढूंढना होगा।
उसके बाद कुछ कर सकते हैं। डैडी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हाय बेबी, क्या बात है, आज बहुत खुश हो तुम? डैडी मुझे प्यार हो गया है। मदर टेरेसा जैसी रहने वाली तुम, तुम्हें किससे प्यार हो गया बेटी? अभी दिखाती हूँ। हाँ सत्यम, ये है वो। डैडी मत चिल्लाओ, बुरा लगेगा ना, मुझसे 3 साल छोटा है फिर भी मुझसे प्यार करता है, पता है ना? ये तुमसे 3 साल छोटा नहीं है, बल्कि मुझसे भी 8 साल बड़ा है ये। What? हाँ, मैं प्रूफ कर दूंगा। ये सब लोग कौन है पता है तुमको? पता नहीं। इसके ही मुंह से उगलवाता हूँ, चल बोल। मेरी बीवी, मेरी डार्लिंग जानू। ये प्रेम पुराण बाद में करना। ये कौन है बता? मेरा बड़ा बेटा मोहन बाबू। ये कौन है? छोटा बेटा चुन्नू बाबू। डायलॉग किंग मोहन बाबू और कॉमेडी किंग बाबू मोहन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सर, इसीलिए मैंने उन दोनों के नाम पर इन दोनों का नाम रखा है सर। ये टीवी का कॉमेडी शो नहीं है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। वो कौन है बता? मेरा छोटा भाई। अब देख लिया ना तुमने? छी छी। ये कौन है? मेरी बेटी। ये इसकी बेटी है, देखा ना। ये कौन है? मेरा पोता। ये इसका पोता है इसका। अब ये कौन है बता? मेरा क्लासमेट। चाकू दो सर, इसे मार डालता हूँ। कृष्ण मूर्ति रिलैक्स। ये लड़की कौन है पता है? इनकी बेटी है। ये कौन है पता है? इसका क्लासमेट। इसने अपने क्लासमेट की बेटी को नहीं छोड़ा, उसके साथ प्यार का नाटक किया। इस उम्र में इसने कितनी लड़कियों के साथ प्यार का नाटक किया है। अरे बेटी बेटी क्या हुआ बेटी? मधु, अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो जान से मार डालूंगा, तुझे याद रखना। अरे तूने मेरी बेटी को जो शौक दिया उसके लिए तुझे मैं क्या करूँ, शौक देना होगा इसे। तेरा सीक्रेट जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा, तुझे सोने भी नहीं दूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी रोशनी में आने वाला शख्स सत्यम, इसका नाम है सत्यम, 1957 में ये पैदा हुआ है, जबकि इसकी असली उम्र 64 इयर्स की है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल 20 साल का है। और ये है सत्यम की बीवी, ये दोनों है सत्यम के बेटे, और सत्यम की शादी हुई थी सन 1980 में। बीवी की उम्र हो चुकी है, बेटा भी 40 साल का हो चुका है, लेकिन सत्यम अभी भी जवान दिखता है। सत्यम के ऐसे रहने के पीछे जरूर कोई रीजन है, लेकिन हम लोगों को ये बात नहीं पता है, लेकिन हम ये सीक्रेट पता करने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। सुनिए, अजीब खबर है। हाँ हाँ, अगर हम भी ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। तब तो सब ऐसे ही होते ना, लेकिन इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। सही बात है, वरना इस तरह से क्यों रहता। वाह, क्या सरदर्द है यार, टीवी देखो या न्यूज़पेपर पढ़ो, हर जगह यही चल रहा है यार। क्या हुआ यार? इसका नाम है सत्यम, धरती के पहले पैदा हुआ है, पर अब तक बुढ़ा नहीं हुआ, अभी भी जवान दिखता है, इसलिए सभी लोग इसका सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई, वही तो हॉट न्यूज है ना यार। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तक हमारी कंपनी ने बहुत सी मेडिसिन ईजाद करके इस सोसाइटी में हमने अपना एक नाम बनाया है, पर अब हम जो मेडिसिन ईजाद करने वाले हैं उसके कारण इस देश के अलावा दुनिया में हम नंबर 1 पर आ जाएंगे, और वो कैसे, यही बात मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। He is Mr. Satyam, 1957 born, 64 years. पर ये 28 साल के लड़के की तरह लगते हैं। कैसे? How it is possible? उसका कारण क्या है? यही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इसका आंसर ढूंढ पाए तो
एज को ब्रेक करने की मेडिसिन का इजाद कर पाएंगे। इससे पहले यूरोप कंट्रीज में बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि वो ऐसी मेडिसिन का इजाद करें, पर वो लोग नाकामयाब रहे। यस, एग्जैक्टली। किसी भी चीज के लिए एक बेसिक मेथड होता है, वो उन्हें मिला नहीं, हमें मिल गया है इस रूप में। मे बी इस सत्यम की लाइफ में 20 इयर्स की एज में कुछ न कुछ हुआ था, समथिंग हैपेंड। वो क्या है अगर हम पता लगा लें तो हमारी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सर। यस, थिंक अबाउट हिम। पहले से ही मेरा भारत देश कर्जे में डूबा हुआ है। बड़ी बड़ी फार्मेसी कंपनियां तेरे ऊपर प्रयोग करेंगी और खर्चे बढ़ाएंगी। अरे वो सीक्रेट क्या है मुझे बता दे, मैं उस फार्मूले से दवाई बनाकर पूरे देश में बेचूंगा, उसके बाद हमारे देश की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। बताना यार वो सीक्रेट क्या है, बता दे, बताना। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटेटो टमाटो। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटेटो टमाटो। ये क्या कॉमेडी कर रहा है? कैरेट बीटरूट सपोटा पोटेटो टमाटो। गोविंद रिवर्स। ओके सर। अब सच बता, कैरेट बीटरूट सपोटा पोटेटो टोमेटो। हे गोविंद सर। अरे चल बता दे। ये तो मात्र सैंपल है, अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो तेरे ऊपर जाने तक शौक दूंगा। बता। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। हे गोविंद सर। स्टॉप इट, स्टॉप इट। ये कौन आ गया? एडवोकेट सीताराम शास्त्री। तो क्या करूं? उसे छोड़ दो, बेल पेपर लेकर आया। अगर इसे नहीं छोड़ा तो कोर्ट में रेड पिटीशन डालकर तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। वहाँ तक क्यों जाना है, छोड़ देता हूँ, चल जा आराम से। आराम से, पूरा वजन मुझ पर मत डालो। दर्द हो रहा है। अरे वजन मत डालो भाई, दर्द हो रहा है। वजन मत डालो, आराम से, आराम से, धीरे धीरे चलो, बहुत आराम से। सत्यम क्या हुआ? तुम कौन हो? इसकी लवर हूँ, एसआई की बेटी हूँ। कहानी मत बदलो, कंटेंट फॉलो नहीं कर रही हूँ क्या? इसके ऑलरेडी शादी हो चुके हैं, दो बच्चे हैं, उन दोनों की शादी की उम्र भी निकल गई। पता है मुझे, पहले इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। नो प्रॉब्लम, टेक केयर, बाय नर्स। ले जाओ। देखो भाई, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। कार में फुल पेट्रोल भरवा के कोर्ट जाके 10,000 खर्च करवा के बेल लेकर आया हूँ तुम्हारी मैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स बोलने से काफी नहीं होगा। उससे पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। बोलिए ना, क्या बात है? तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े लोग वेट कर रहे हैं। तुम्हारा ऐसा रहने का क्या कारण है? उस सीक्रेट की कीमत है पूरे 50 करोड़। मोटी रकम है रे बाबा। वो सीक्रेट क्या है बस मुझे अकेले को बता दो, यूं जाकर यूं 50 करोड़ लेकर आ जाता हूँ। तुम्हारा आधा, मेरा आधा, दोनों सेटल हो जाएंगे, मैटर ओवर। तो क्या कहते हो? कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। क्या कहा? कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। इसका अचार बनेगा क्या? मैं अचार के साथ ही खाता हूँ, सब लोग बिना अचार के खाते हैं, यही सीक्रेट है। ए, कुछ पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। देखो। हाँ दिखाओ ना सर। आज राज्य, कल देश, परसों पूरी दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। किसी भी तरह वो तुमसे सीक्रेट बाहर निकाल लेंगे। कम से कम अभी बताओगे तो पैसे तो मिल जाएंगे। सोच के बताओ। अरे बाप रे। रुको, संभाल के, धीरे से। केयरफुल, संभाल के। हाँ चलो चलो। माँ, माँ, क्या क्या हुआ बेटा? अरे रे रे, क्या हुआ? हाँ कुछ भी सीरियस नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग, अपने पापा को अंदर बेडरूम में लेकर जाओ ना। अब इसी बात की कमी पापा, थी। टीवी में और पेपर में बस आपके बारे में ही आ रहा है, पता है? आप तो बड़े सेलिब्रिटी बन के आओगे सोचा था, चोटों के साथ आओगे सोचा नहीं था। बंद करो तुम्हारी बकबक, पहले अपने पापा को अंदर लेकर जाओ। कोई परवाह नहीं डार्लिंग, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ। अरे रे रे, आपको इतनी चोट कैसे लगी जी, ये क्या हुआ? धीरे धीरे, धीरे, आराम से,
आराम से बैठिए, धीरे धीरे धीरे, आपके हाथ में इतनी चोट है। ओह डार्लिंग, धीरे। क्या हुआ जानू, कितनी चोट लगी आपको, कैसे हुआ ये सब बताइए। फिक्र मत करो, तू बहुत सुंदर लग रही है। इतना होने के बाद भी आप कैसे हंस रहे हैं। देखा, तुम्हारी बीवी तुमसे कितना प्यार करती है। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, उनकी उम्र हो गई इसीलिए छोड़ दिया। इतना कुछ हो गया फिर भी मैं तुम्हारे पीछे यहाँ आ गई हूँ। ओनली वन थिंग, इंसानियत। आफ्टर ऑल 4 दिन तुम्हारे पीछे घूमने के कारण मैं पिघल गई थी, और ये तो बल्कि 40 सालों तक तुम्हारा साथ निभाया इन्होंने। तुम इन्हें छोड़ने के बारे में कैसे सोचा। वही तो, औरत के दिल की बात तुम कैसे समझोगे। बस करो, ज्ञान मत दो मुझे। मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूं तुम्हें नहीं पता है, और ना मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है। पर मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। 1980 की बात है, तब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा था। आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र, शुरू करते हैं आज के मुख्य खबर के साथ। हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री जी टी अंजिया जी जनता के फायदे के लिए कुछ पापा योजना बना रहे हैं। ये रेडियो बंद कर दीजिए ना। अरे चुप रहे, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है वो सुन रहा हूँ। तुम जाओ अंदर और पढ़ाई करो, जाओ। ठीक है, ये निवेदन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। नमस्कार राव साहब। अरे पंडित जी, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए ना। तो बताइए पंडित जी, मेरे बड़े बेटे के शादी के बारे में मैंने आपसे बात की थी। साहब, आपकी हैसियत को जचे वैसा ही रिश्ता ढूंढा है। 200 एकड़ के नारियल के खेत हैं। अरे वाह। 100 एकड़ केले के खेत हैं। मतलब पूरे 300 एकड़ के खेत हैं। इकलौती बेटी है, लड़की का नाम है जानकी। दोनों कुंडलियां भी अच्छे से मिल गई हैं। अगर आप हाँ कहते हैं तो ये रिश्ता पक्का कर देता हूँ। ठीक है पंडित जी, तो रिश्ता पक्का कर दीजिए। कैसे हैं पंडित जी, ठीक है ना। आपकी कृपा है, सब अच्छा है। बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। हाँ क्यों नहीं, पंडित जी बहुत अच्छे हैं। साहब अगर कम शब्दों में कहूँ तो इस रिश्ते के लिए अगर आपके बेटे ने हाँ कर दी तो इस जिले में ऐसी कुंडली किसी की भी नहीं मिली होगी। पंडित जी अब और देरी क्यों, इसी रिश्ते को पक्का कर दीजिए। सुनिए, एक बार बड़े बेटे से पूछ लेते तो अच्छा होता। अरे उसको क्या पूछना, ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए तो हो रहा है। पंडित जी रिश्ता पक्का कीजिए। वैसे बड़ा बेटा है कहाँ। जहाँ मैं जाऊँ मौसम चला आए मेरे पीछे पीछे, मैं हूँ दिल का राजा। यहाँ पर क्या कर रही हो, कोई आने वाला है क्या। तुम आओगे इसीलिए। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। मुझे तो बहुत पसंद हो, पर तुम मुझे भाव ही नहीं देते। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आओ बैठ जाओ पीछे। ठीक है, पर जरा वहाँ आओगे क्या, तुमसे बात करनी है। क्या कहा, खेतों के पीछे। उसे बात करना नहीं बोलते, कुश्ती करना बोलते हैं। चला रे। अरे आज तो कुछ ज्यादा ही बदली हुई नजर आ रही है मुझे। तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। बहुत पसंद हो। तो शादी कब करोगे। पसंद करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं शादी ही कर लूंगा। मुझे कंफ्यूज मत करो, शादी के नाम पर मीलों दूर भाग जाते हो। असल में तुम चाहते क्या हो। तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं। हाँ बताओ। प्यार समुद्र की लहरों की तरह हमेशा बहता रहता है, कभी रुकता नहीं है। आज तुमसे प्यार है, कल किसी और से होगा। जो लड़की मेरे इस दिल के तार को हिला देगी उसके पीछे ये दीवाना होता जाएगा, फिर चाहे एक हो, दो हो, तीन हो या हजार हो। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मगर मेरी बात कोई मानता नहीं है। अंदर से सब ऐसे ही होते हैं, बाहर से साले सब ढोंग करते हैं। मैं तो जो अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ। जो लड़की मेरे दिल को पसंद आती है उससे मैं जी भर के प्यार करता मतलब? हूँ। कितनी लड़कियों से शादी करोगे तुम। शादी का मतलब है जिंदगी, मिल के साथ गुजारने वाला सफर, और ऐसा सफर किसी एक लड़की के साथ ही पूरा हो सकता है, ये बिल्कुल सच है। शादी तो एक बंधन है, एक जिम्मेदारी है, और जब मेरा ये दिल करेगा कि ये जिम्मेदारी निभाने के लिए अब मैं तैयार हो चुका हूँ, तब मैं शादी जरूर करूँगा। तब तक वेट करूँगा। क्यों ऐसे बहाने मार के कंफ्यूज कर रहे हो, इतना नाराज क्यों हो रही हो। आग लगी है मेरे अंदर, चल जरा अब तुझे दिखाती हूँ। अरे बाप रे, ये तो पूरी फटने वाली है, निकल लो यहाँ से। अरे बाप रे, अरे नहीं मुझे माफ कर दे, मेरी माँ। मेरे पीछे मत आ। अरे मुझे माफ कर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे मुझे। क्या कर रही है, बचाओ।
कहाँ गया ये? ये ऊपर वाले, ये कहाँ फंसा दिया मुझे? इसके अंदर तो आग नहीं, पूरा ज्वालामुखी धड़क रहा है। दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिम्मेदारी निभाने वाली लड़की यही है क्या? ए, हेलो, रुको। ए, मारा क्यों? तुमने जो किया उसके लिए मुझे मारना चाहिए था, उल्टा तुमने मुझे मार दिया। मुझे तुमने क्यों बचाया? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? वो बात सबको बताने लायक नहीं है। जो भी बात है मुझे बता दो प्लीज। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ तो। मुझे जीने की इच्छा नहीं है, दया करके मुझे छोड़ दीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, रोज उगने वाला सूरज हमें रोशनी देता है ऐसा हम सोचते हैं, दरअसल सूरज सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है। तुम्हें बचाना मेरा कर्तव्य था और तुम्हारी जिंदगी को जीना तुम्हारा कर्तव्य है, इसलिए बताओ अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ। बताओ ना, जो भी प्रॉब्लम है मुझे बोलो। क्या हुआ पापा, उदास क्यों है? इस बार जब फसल होगी तो पूरा का पूरा उधार चुका के अगली फसल से तेरी शादी करवाऊंगा सोच रहा था, पर फसल में कीड़े लग गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। बेटी बर्बाद हो गया, बेटी सब बर्बाद हो गया। जिससे कर्ज लिया है कल मैं उसे क्या जवाब दूंगा समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं पापा, अगली फसल से चुका लेंगे। आप दुखी मत होइए, आप ऐसे उदास मत होइए पापा, मुझे डर लग रहा है। मेरे लिए आप, आपके लिए मैं हूँ, माँ भी नहीं है ना पापा, हमें हिम्मत दिलाने के लिए। बीज बोना ही किसान का काम होता है, उसके बाद सब प्रकृति का ही खेल है, कुछ भी हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, बारिश की कमी हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, या फिर इस बार की तरह कीड़े खा सकते हैं, सब उस भगवान की लीला है। इस धरती माँ पर भरोसा करने वाले किसान का ये प्रकृति ही शत्रु है बेटी। आने वाली फसल हमारे हाथ आएगी ये भी कोई कैसे कह सकता है। बहुत देर हो गई है बेटी, तुम जाकर सो जाओ, हमारी किस्मत में जो है वो तो होगा ही, जाओ सो जाओ। पापा,
मत रो बेटा, बस बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, अब क्या कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता ही थे, अब वो भी नहीं रहे, फिर भी मेरे गांव वालों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। सावित्री, सावित्री, जरा बाहर आओ तो। मुझे 32,000 देने हैं। ये देखो, कर्जा लेते समय तुम्हारे बाप ने इस पे साइन किया था। मेरा 18,000 बाकी है। मुझे 28,000 देना है। और इन सबसे ज्यादा मेरा है, ब्याज के साथ पूरे के पूरे 51,500। पहले मुझे दो। अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं कहाँ से ला कर दूँ, क्या करूँ? मतलब हम सब का कर्जा खा के तेरा बाप मर गया? ऐसी बातें मत कीजिए। तो कैसी बात करें? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, हमें हमारे पैसे चाहिए। इतनी हरी भरी दिखती हो, बस हमारा ख्याल रखो, कर्जा तो उतर जाएगा, सोच के बताना। मैं क्या करती, सब कुछ खत्म हो गया, जहाँ भी देखती हूँ अंधेरा ही नजर आता है, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। अंधेरे से भरी हुई हर रात अमावस नहीं होती है, बीच बीच में चांद भी दिखाई देता है। तुम फिक्र मत करो, मुझसे शादी करोगी क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली पूछ रहा हूं तुमसे, मुझसे शादी करोगी तुम? तुम फिक्र मत करो, आज तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं। आ जाओ। मेरा नाम है राव, आपके रिश्ते के बारे में पुजारी ने बताया। अच्छा दिन देखकर हम। अब हम खुद आएंगे। ये लड़की कौन है? पापा, इसका नाम है सावित्री, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ पापा। दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? क्या बात कर रहा है तू? पापा, मैंने इसे जबान दे दी है, मैं इसे ही शादी करूंगा। तुम्हें ये लड़की चाहिए या हम लोग? ये क्या जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो, मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी में अच्छे से रहो, खुश रहो, इसलिए मैंने अच्छा रिश्ता देखा है। आप सब कुछ बिगाड़ो मत। पापा, पैसों से खुशी नहीं खरीद सकते हम, उसका संबंध दिल से होता है। मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी, अगर तुम हमें चाहते हो तो लड़की को छोड़ो, और अगर तुम्हें वही लड़की चाहिए तो हम सबको छोड़ दो। रुक जाओ बेटा, सुनिए, वो सच में जा रहा है जिनों की। हमें ठुकरा कर जा रहा है, हमें भी उसकी जरूरत नहीं, जाने दो। अरे बेटा रुक जाओ। तुम फिक्र मत करो, पेट भर के खाना खाओ और जी भर के सो लो, सब ठीक हो जाएगा। आ, 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 आ,
बस एक और, हाँ एक और, एक बस हाँ, पापा के लिए। आ, 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 मेरी प्यारी बच्ची। अब क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मुझ में अगर तुम्हें अपने पापा दिखाई दे रहे हैं तो हम दोनों के प्यार को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। पर मेरे लिए आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ देने से अलग हो जाने वाले वो कोई पराये लोग नहीं है, वो मेरे माता पिता हैं। ये सब तो कुछ दिनों की बात है, समय आने पर वो लोग खुद मुझसे मिलने के लिए आएंगे। उन सब चीजों के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, चुपचाप खाना खा लो, जल्दी से मुंह खोलो, लो खाओ, बहुत अच्छे। सावित्री, 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 जल्दी से बाहर आओ। लगता है फिर से वो कर्ज मांगने आए हैं। तुम बिल्कुल डरो मत, मैं उन लोगों से बात करूंगा। तू कौन है? सावित्री का होने वाला पति हूँ। होने वाला? अभी हुआ तो नहीं है ना? हे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये हमारे पड़ोस के गांव वाले जमींदार का बेटा सत्यमूर्ति है। तो और क्या, हमारा कर्ज उतर गया समझो, और यही करने के लिए इसने पड़ोस के जमींदार के बेटे को रख लिया है। जमींदार के बेटे के तौर पर नहीं, सावित्री के पति के तौर पे बात कर रहा हूँ। 6 महीने के अंदर तुम सबका पाई पाई चुका दूंगा मैं, याद रखना। तब तक यहाँ पर अपना मुंह मत दिखाना, चलो निकलो, जाओ। देख लूंगा तुझे। ए घूर किसे रहा, चल निकल। जब किसी लड़की के साथ कोई लड़का होता है तो गांव वाले ऐसी ही बातें करते हैं, आज ये बोला है कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा। हमें इनका मुंह बंद करने के लिए आज ही शादी करनी होगी। पंडित जी, हम दोनों की शादी करवाइए। ये सब क्या है बेटा, एक अनाथ की तरह क्यों आए हो? तुम्हारे पिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या है ये सब, गुस्से में मैंने कुछ कह दिया तो घर से चले गए? तुम छोटे हो, गुस्से में आकर कुछ कर रहे हो ऐसा सोचा था, लेकिन इस लड़की से इतना प्यार करते हो ये नहीं सोचा। तुम चले गए पर तुम्हारी माँ ने 3 दिनों से कुछ खाया नहीं है। चलो चलते हैं, चलो बेटे घर चलो। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, दोबारा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यहाँ आओ बेटी। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज से तुम अनाथ नहीं हो बेटी, तुम्हारी माँ और सास सब मैं ही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणाय नमो नमः।
बैठो ना। लीजिए। तुम भी लो। मुंह खोलो। तब से लेकर आज तक चाहे कितनी भी तकलीफें आई हों, मैंने कभी साथ नहीं छोड़ा। इस प्यार के रिश्ते को निभाने की मैंने पूरी कोशिशें की हैं। सच तो यह है, सावित्री और बच्चे मेरी जान हैं। लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। क्या माँ जी, पति पत्नी को साथ में करने वाला पूजा है ये, और आप तो अपने बेटे को लेकर आ गई। नहीं पंडित जी, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरे पति हैं। बोलने के लिए भले ही आप बोल रही हो, लेकिन ये बात मैं कैसे मान लूं? कहीं और ऐसा मत बताइएगा, नाजायज संबंध है समझेंगे लोग। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी आप? पंडित हूँ इसलिए कह रहा हूँ। इस तरह से कदम कदम पर सावित्री अपमान झेलती आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ये हालत जो है मेरे बच्चों के लिए श्राप बन गई है। बेटा, मैंने पिताजी को लाने के लिए कहा था, तुम तो छोटे भाई को लेकर आ गए। मुझे तुम्हारे पिताजी का सिग्नेचर चाहिए। सर, ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते सर। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? अपना ये कॉमेडी शो टीवी पर जाकर करना, यहाँ पर नहीं। ऐसा एक या दो बार नहीं, कई बार मेरी वजह से इनको अपमान झेलना पड़ा है, बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पा रही है। सबको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ। सच तो यह है कि मैं एक नंबर का बदनसीब हूँ, क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ चाहकर भी शांति से दो पल नहीं गुजार सकता हूँ। इस वजह से मैंने कितने दुख झेले ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दुनिया को कुछ नहीं पता। तो फिर आज तक तुम ऐसे क्यों हो? कारण क्या है इसके पीछे? कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो। यार, तुम्हारा भाषण मुझे नहीं सुनना, चुप करो। बाय अंकल। अंकल बोल रही है? ये मेरी बीवी है सावित्री, और ये मेरे बेटे। नमस्ते। ये छोटा बेटा। अरे बेटा, इस तरफ आके खड़े हो जाओ। जा, पापा जी बुला रहे हैं, आराम से। आपने अपनी एज को कहाँ दफन कर दिया है? अजी, दफन लाश को किया जाता है, मैं तो इंसान। सबका कहना है कि आपकी लाइफ में कुछ सीक्रेट हुआ है, हम वो सीक्रेट जानना चाहते हैं। अच्छा, वो सीक्रेट? कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो। सच बताइए ना सर। कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो। अरे बैंगन देना बैंगन। अरे भिंडी दे दे भिंडी। कैरेट है क्या? कैरेट, कैरेट, बीटरूट, सपोटा, टोमेटो, पोटैटो, वो यहाँ के इंडिया के किसी भी मार्केट में नहीं मिलने वाला आपको। जाओ जाओ दादाजी, खामखा परेशान मत हो। सत्यम की बातों से सिर्फ राष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में कैरेट, बीटरूट, स्प्राउट, पोटैटो, टोमेटो का रेट आसमान छू रहा है। कैरेट का रेट 2008 रुपए किलो है, बीटरूट 3002 रुपए किलो और स्प्राउट 2400 रुपए किलो है, और पोटैटो 2800 रुपए किलो में बिक रहा है, और वहीं टमेटो का रेट है 3009 रुपए किलो। लेकिन फिर भी जनता ये सब सब्जियां खरीदने को रेडी है, मार्केट में सब्जियां कम है। हमारे सीएम ने सभी किसानों के लिए कैरेट, बीटरूट, स्प्राउट, पोटैटो, टमेटो उगाने का आदेश दिया है। आपकी जितनी तनख्वाह है उससे कैरेट ही नहीं, करेला भी खरीद नहीं सकते हैं। चलो चलकर कैरेट बीटरूट उगाते हैं गाँव में। मैं भी यही सोच रहा था। अब ज्यादा मत सोचो, जाना पड़ेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं कौन हूँ पता है ना? मुझे नहीं पता सर, आजकल हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए हमें सबका स्वागत करने की आदत सी पड़ गई है। बोलिए, आप क्या लेंगे? कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो? इन सब की मुझे जरूरत नहीं, पहले मैं कौन हूँ ये जान लो। मेरा नाम है मिश्रा, साइंटिस्ट। दुनिया में मेरी ईजाद की गई मेडिसिन और कंपनीज का एक नाम है, उसे नंबर वन बनाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। दिस इज सत्यम, क्लास टच, मास कट आउट। ढूंढने पर भी कोई नहीं मिलेगा मेरे जैसा। बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर सत्यमूर्ति, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर ब्लेस्ड एज अ स्पेशल। तुम्हारे जैसे का इस देश में पैदा होना इस देश की खुशनसीबी है। इंसान डे बाई डे दुनिया को डेवलप कर रहा है,
तुम्हारे एक क्लू की वजह से हमारा देश अंतरिक्ष पर राज कर सकता है। तुमने नेचर के पाथ को ब्रेक किया है, एज को रोक दिया है। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो। मिस्टर सत्यम, इस दुनिया में बहुत से धनवान लोग हैं, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं, उसके लिए जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। तुम बस हाँ बोलो, हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। मैंने आपको बताया तो सर, कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो और टोमेटो, बस इतना ही। मिस्टर सत्यम, विल मीट लेटर, पर मैं जरूर तुम्हारे मुंह से सच उगलवा कर रहूंगा। कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो। पापा? हाँ? क्या हुआ बेटा? लोगों को देखिए, हमें जाने दीजिए, छोड़िए, हमें जाना है, छोड़ दीजिए, हमें उनसे मिलना है। आप पॉलिटिशियन नहीं है, यहाँ से हाथ मत हिलाइए, पूरी पब्लिक अंदर चली आएगी, आप बाहर चले जाइए। अरे छोड़ो, जाने दो, अरे छोड़ दो बेटा। मैं तुम्हें चाचा या मामा क्या कहकर बुलाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर हमें तुम्हारी तरह रहना है तो क्या करना है, प्लीज बेटा बताओ ना हम लोगों को। कैरेट, कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो, ये सब मत बोलिए सर। अरे क्या कर रहे हो? ये भगवान है, कोई इंसान भला ऐसा होता है क्या? ये भगवान है, साक्षात भगवान। क्या बकवास कर रहा है ये? तुम ऐसे बाहर रहोगे तो तुम्हें ये टॉर्चर सहना पड़ेगा, इसीलिए मेरा एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट बहुत सारे गरीब विद्यार्थियों के काम आता है। तुम वहाँ पर आ जाओ, तुम्हें भगवान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम वहाँ आकर जनता की सेवा करोगे या फिर यहाँ रहकर टॉर्चर सहोगे, ये तुम ही डिसाइड करो। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। जय जय जय। शांति रखो, चिकने चिल्लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ आए सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है स्वामी जी। वेरी गुड, बोलो बेटे। मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है स्वामी। बाहर मेहनत करने की बजाय अपने बेडरूम में मेहनत करो, जरूर बच्चा पैदा होगा, संतान प्राप्ति हो तुम्हें। मुझे नौकरी नहीं मिल रही है स्वामी। काम से प्यार करो, जरूर मिलेगा तुम्हें। ठीक है स्वामी, सुखी रहो। स्वामी जी, सरकार मुझे 5 महीने में रिटायर करने वाली है, मेरा 5 साल बढ़ा दीजिए ना स्वामी जी। लेकिन क्यों शिष्य, आराम से रिटायर होकर तुम रेस्ट करो। रेस्ट क्यों करूंगा स्वामी जी, तुझ जैसे फ्रॉड के पिछवाड़े को लाल करूंगा स्वामी जी। बढ़ा दीजिए ना स्वामी जी, बढ़ा दीजिए ना। मेरे शिष्य कहाँ चले गए? सर स्वामी भाग गए। ये क्या इंस्पेक्टर, तुम मुझे कहीं भी शांति से जीने नहीं देते हो। अच्छा ये बता, तू स्वामी है क्या? नहीं हूँ। फिर ये गेटअप और ये सेटअप क्या है? ये सब तो जनता की सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए? अब हम तेरी सेवा करेंगे, चल हमारे साथ। अरे गोविंद सर, वो हुंडी जरा उठा कर रखो। ओके सर। हाँ चल भाई चल। सर ये तो बहुत भारी है सर। हाँ उसमें माल ज्यादा है ना, चलो। योर ऑनर, इसका नाम है सत्यमूर्ति। नमस्ते सर। इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसे पूरा देश जानता है। इसने कोई जादू टोना करके अपनी एज को रोक दिया है और वो सीक्रेट ये किसी को नहीं बता रहा है, पर अब इसने एक स्वामी जी का अवतार धारण किया है। तुम भगवान हो क्या? हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो सबकी तरह क्यों नहीं हो? कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो। बस यही बोलता है, कैरेट बीटरूट के अलावा इसके मुंह से कुछ और नहीं निकलता है। ये केस सीबीआई के हाथों में सौंप के इसके मुंह से सारी सच्चाई गुलाई जाए, मैं कोर्ट से यही गुजारिश करता हूँ। That's all, Your Honor. नमस्ते। अदालत इस केस को मद्देनजर रखते हुए सत्यमूर्ति नाम के इस व्यक्ति को हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले करते हुए इस कारण की जांच का आदेश देते हुए इनकी जीन्स टेस्ट के लिए भेजे जाने का ये कोर्ट आदेश देती है। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर क्या चाहिए? सर आपका ब्लड चाहिए। किस लिए? टेस्ट करेंगे सर। अच्छा चलिए, मुझे ब्लड निकालना है।
आपको क्या चाहिए? ब्लड चाहिए सर। आखिर कितने लोग ब्लड लोगे मेरा? देखिए पूरे 365 टेस्ट हैं आपके, 82 स्कैनिंग है और तो और 42 चेकअप भी हैं, और ये सब करने में कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा ही, इसीलिए आपको कोऑपरेट करना होगा सर, बस गुस्सा मत कीजिएगा। तुम्हारा मतलब है कि जो भी आएगा वो घुसा 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 के सिर्फ मेरा खून निकालता रहेगा? क्या पागल हो गए तुम? करना तो पड़ेगा ना। अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा? पुलिस मारेगी सर। तो फिर निकाल लो जितना निकालना है। अबे तुम साले मच्छरों से भी जालिम हो। अब ये क्या है बे? बकेट है सर। वो तो देख रहा हूँ लेकिन किस लिए? ब्लड चाहिए सर। वो बार बार मांग रहे हैं ना, एक बकेट दे दोगे तो काम हो जाएगा सर। अबे मैं इंसान हूँ, कोई डायनासोर नहीं जो बाल्टी भर ब्लड दूंगा। सर आप बहुत डिफरेंट है ना सर। ए अगर तू मेरे पास आया तो तुझे बुड्ढा बना दूंगा। वो कोई परवाह नहीं है सर, दे दीजिए ना सर। क्या रे सर, दे दीजिए। तो तुम आके क्या कर रहे हो? इसकी तो जैसे कुएं से पानी निकालते वैसे बाल्टी लेकर आया था मेरा खून निकालने के लिए। बहुत हो गया, अगर अब कोई आएगा तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। सर फ्रूट सर, फ्रूट। थैंक्स भाई। काहे का थैंक्स, थोड़ी देर हो जाती तो मुझे मार देता तू। इनके साथ साथ कैरेट, बीटरूट, सपोटा, पोटैटो, टोमेटो भी लाना चाहिए ना, लाकर दोगे क्या? देखो तुम जो ये मांग रहे हो ना उनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, सब तो यही खा रहा है, इसलिए तुम भी यही खाओ। हाँ ठीक है। डॉक्टर yes. उसकी बीमारी का पता चला? इतना इजीली कैसे पता चलेगा? क्यों? अगर उनके बारे में पता लगाना है तो US भेजना होगा। US? किस लिए? टेस्ट के लिए। ओके ओके। अबे घोचू, वो लोग जांच के लिए तुझे अमेरिका भेजने वाले हैं। पहले ही हमारा देश कर्जे में डूबा है, वो सीक्रेट तो बता देना। कैरेट बीटरूट। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुद बोलते हो फिर नहीं सुनते हो, भाड़ में जाओ। मेरा दिमाग खराब था जो तुझसे पूछा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। हेलो कौन? मैं हेगड़े पादुकोण हूँ। क्या कहा? हेगड़े पादुकोण। आगोगी और पढ़ोगी क्या? किसके ऊपर? नॉट पढ़ोगी। हाँ पादुकोण, पादुकोण। ओहो फिल्म की हीरोइन हेगड़े पादुकोण। अच्छा अच्छा, आपके पास सत्यमूर्ति है, सुना है? है ना मैडम, उनके साथ एक बार मिलना है, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। ओके मैडम, करता हूँ मैडम। अरे तू कितना बड़ा आदमी है रे, यो यो बढ़ते ही जा रहा है। डायरेक्ट फिल्मों की हीरोइन तेरे से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहती है, क्या बात है बता? मुझे क्या पता होगा ससुर जी। ससुर जी बोला तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। तेरी उम्र क्या है, मेरी उम्र क्या है? तू 64 का है, मैं 57 का हूँ, सीधा 7 साल बड़ा है मुझसे, समझा? आपने लड़की बड़ी खूबसूरत पैदा की ससुर जी। शट अप, दोबारा अगर ससुर जी बोला ना तो जूता उतार कर मारूंगा, समझ ले। लड़की देखने की हो गए, चलो एक फोटो। सुपर। वो हैं क्या? आपकी अब तक शादी नहीं हुई है क्या? स्टॉप इट, आई वांट सत्यमूर्ति। ओहो वो सब्जी वाला अंदर पड़ा है। शैल वी गो? ओके चलिए। ससुर जी गुस्सा मत कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। फिर से ससुर जी बोला नालायक, मार डालूंगा दोबारा ऐसी बात की तो। सर हेगड़े, सॉरी मैडम, इनके साथ बात करने में भूल ही गया था कि आप आई हैं। आप फिल्म की हीरोइन है ना, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं। यहाँ पर आ जाइए। थैंक यू मैडम। मुझे सत्यमूर्ति से पर्सनली बात करनी है। कैरी ऑन मैडम, मैं डोर बंद कर दूं क्या? यस। ओके मैडम। रे तू कूंगा तुझे। मुझे भी चाहिए एक सेल्फी, इससे ज्यादा दूंगी, बैठो। ओके ओके। मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? अरे मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगा, मैंने आपकी सारी फिल्में जो देखी हैं। थैंक्स। हर लड़के के दिल में आप रात में आती हैं और काफी शरारतें करती हैं, मुझे पता है। वैसे आप इतनी सुंदर कैसे हैं बताइए ना। इट्स ओके, पॉइंट पर आए क्या? हाँ बोलिए ना। मुझे तुम्हारे जैसा एक आदमी चाहिए। हाँ। तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्टे करना होगा, करोगे ना? जी 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 जी, मैं वैसा कोई काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ प्यार करता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो वो दे दो। वो क्या है? स्पर्म। ये भगवान। लगता है तुम शर्मा रहे हो, इसमें निकाल के दे दो, बाद में मैं कलेक्ट कर लूंगी।
बाय। ये सब क्या चल रहा है रे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। तुझसे मिलने के लिए लड़कियां बाहर लाइन में खड़ी है रे। मैं अब क्या करूं है? सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। अरे मैं तुझे भगाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर मैं बाहर गया तो लड़कियां अंदर आ जाएंगी। सर तेरी तो सर, सर प्लीज सर बाहर निकाल दो सर। तुम दोनों को क्या चाहिए? तू यहाँ से भागना चाहता है ना? सही कह रहा हूँ? प्लीज ये काम जल्दी से कर दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो फिर हमारे साथ चल। चल। थैंक यू। तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? सीएम जी ने कहा है लेकर आओ। क्या सीएम को भी वही चीज चाहिए? वो क्या? बॉटल। बॉटल तो रोज लगता है उनको। अच्छा वो बॉटल। बाल बाल बच गया मैं। चल उतर, चल। पुलिस केस क्लियर नहीं हुआ सर अभी तक। डीजी को फोन लगाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। ओके सर। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे उस रूम में लेकर जाओ। सर रूम में क्यों सर? यहीं पर बात करी ना जो बात करी। अरे जाना भाई जा जा। सर, 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 सर प्लीज सर रूम में नहीं सर, यहीं पर। तुझे ही कह रहा हूँ मैं हूँ ना यहाँ। अरे इसे लेकर जाओ यहाँ से, अंदर लेकर जाओ, मैं देख लूंगा। रूम में नहीं सर, जो करना है बोल रहा हूँ। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? इसे लेकर जाना। ये सर प्लीज सर यहाँ से। डीजी को फोन लगाने बोला था ना, लगा नहीं क्या? लगा रहा हूँ सर। कितना समय लगेगा सर? प्लीज सर। अरे क्यों भाई इतना डर क्यों रहा है तू? डर मत। देख भाई मैंने बहुत पैसा कमाया, इतना कमाया कि गिन भी नहीं सकता। मेरा उम्र हो जा रहा है भाई, जरा सीक्रेट तो बताना। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। अरे तुझे 100 करोड़ दूंगा। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। तुझे 200 करोड़ दूंगा। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। मैंने 500 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, वो सीक्रेट तो बता दो। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। तुझे 1000 करोड़ दिलाऊंगा, सच बता दे। कैरेट बीटरूट सपोटा पोटैटो टोमेटो। तुझे मार डालूंगा पर तुझसे सच गुलवाऊंगा। बता मुझे, बता सच बता, बता बता। हेलो। अगर उसे मार दोगे तो सच? तू कौन है? आई मिश्रा साइंटिस्ट। तू है क्या? अबे तेरी तो। ए सुन, ए बेवजह मारा जाएगा तू? सच क्या है बताओ। भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए मैं नहीं बताऊंगा। बताएगा? नहीं बताऊंगा। तेरे मुंह से सच कैसे उगलवाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। एक बार जरा वहां देख। तेरे लोगों को हमने एक इंजेक्शन दिया है, वो पॉइजन है और ये लोग मर जाएंगे। जल्दी से सच बताकर अपनी फैमिली को बचा लो। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, तब तक अगर मेरी फैमिली यहाँ से नहीं गई तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। नो, नहीं 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 नहीं, जल्दी जा, एंटीडोज दे सबको। बोलता हूँ, ए ए एंटीडोज दे दो। सिर्फ तुझ अकेले को अगर मैंने राज बताया तो वो काफी नहीं होगा, मेरे बारे में दुनिया को जानना चाहिए। सभी लोग आ गए क्या? सब आ गए सर, आप बस बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर। 1983 की बात है, उस वक्त मैं 20 साल का था, मेरी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो गए थे। तब मेरी लाइफ में एक समस्या आ गई। अरे माँ, पांच मिनट भी चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं अपने पैरों को भी हिला नहीं पाता था। ऐसी हालत हो गई थी कि मैं एक गिलास पानी भी अपने आप से नहीं उठा पा रहा था। ये लीजिए। क्या हुआ जी, गिलास भी पकड़ नहीं पा रहे हैं आप? सावित्री ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ टूट चुके हैं। Ha ha ha!
ऐसा लगता था कि मानो मेरा पूरा दिमाग सुन पड़ चुका है। मौत मेरे दिमाग में हर वक्त घूम रही थी। बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? बोलना, क्या हुआ? माँ, बेटा, अरे, अरे मेरा बेटा, क्या हुआ तुझे? सुनिए है। तब मुझे पता चला कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसा है? देखिए, मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा। मेरे लिए भी ये पहली बार है। मतलब क्या हुआ है डॉक्टर? देखिए, आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बताऊंगा। समझने की कोशिश करिए। हर इंसान के ग्रोथ हार्मोन्स को बॉडी में सप्लाई करने के लिए दिमाग के पास पिट्यूटरी नाम का एक पार्ट होता है। वो आपके बेटे का पूरी तरह डैमेज हो गया है। उसके कारण धीरे धीरे बॉडी के अंदर का बोन्स टूटता रहता है। उसके बाद उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, नरक का अनुभव होता है। क्या करने से ठीक होगा डॉक्टर? कितना भी खर्चा करो कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिंदा रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जिएगा। उसकी हालात बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए। डॉक्टर, मेरे बेटे मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे ठीक कीजिए। कुछ कीजिए, बचा लीजिए उसे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कीजिए। आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं कर सकता मैं। सासू माँ, क्या हुआ सासू माँ? सासू माँ क्या हुआ, बताइए ना सासू माँ, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा सासू माँ? बोलिए ना। जानता हूं तेरे दो बेटे हैं। तेरा बड़ा बेटा श्री कृष्ण की देन है, युग पुरुष है, वो चिरंजीवी है, लेकिन वो खतरे में है। अगर उसने प्यार कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वो चिरंजीवी है, वो चिरंजीवी है। मेरा बेटा जिएगा, वो चिरंजीवी है बेटा। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। माँ, कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा जिएगा, मेरा बेटा जिएगा, मेरा बेटा जिएगा। स्वामी, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी, स्वामी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, वहीं पर लिटा दो स्वामी। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। Thank you.
सिर्फ एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि 6 महीनों तक उन्होंने अलग अलग पेड़ की पत्तियों से मेरा इलाज किया था। इस जन्म में मैं आपका एहसान चुका नहीं पाऊंगा। मुझे पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपका आभारी हूं। भगवान ने इस प्रकृति में मनुष्य के लिए सब कुछ दिया है, परंतु मनुष्य उसके विरुद्ध जाकर सब कुछ नष्ट कर रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, खुशी से चिरंजीवी बनकर जियो। मुझे एक बीमारी हुई थी, अगर ये बात मैं उस वक्त बताता तो तुम में से हर कोई मेरे जैसा बनने के लिए अपने बॉडी के पार्ट्स निकलवाओगे। मुझे इसका डर था, इसलिए मैंने नहीं बताया। पहले के दिनों में दाल चावल खाके 100 साल जीते थे हम लोग, पर अब ऑर्गेनिक फूड खाकर भी 60 साल जीना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, और उसका कारण है ऐसे साइंटिस्ट। हम जो खाते हैं वो खाना नहीं है, वो केमिकल्स है। ये सच है, हम जो खाते हैं वो सिर्फ केमिकल है। अनाज में केमिकल, सब्जियों में केमिकल, फल में केमिकल, दूध में केमिकल, यहां तक कि पीने वाले पानी में भी केमिकल। केमिकल्स के बिना बनी हुई कोई एक भी चीज मुझे आप बता सकते हैं क्या? इतने केमिकल्स खाके इंसान जी नहीं रहा है, बल्कि मर रहा है। सिर्फ पैसा कमाने की लालच में ये लोग हर एक चीज पे केमिकल्स मिला रहे हैं। ये लोग हमारे दोषी हैं। ऑनलाइन में पिज्जा, बर्गर, चिकन, फ्रेंच फ्राइज मिलती है। इनकी वजह से सिर्फ 30 सालों में बीपी, शुगर, अल्सर, कैंसर हो जाता है। 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इनका कारण है केमिकल्स, केमिकल्स, केमिकल्स। जितना हो सके आप लोग नेचर की तरफ जाइए, नेचुरल पदार्थ खाइए, यही मेरी गुजारिश है। आप सबको मेरा नमस्कार। एए, खास खास के ये मर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। रात को दवाई लेकर आए थे ना तुम, लाकर दो अपने डैडी को। लाता हूँ दादाजी। अब ऐसे क्यों घूर रहा है? मुझे बोला था ना नेचुरल चीजें खा, अब बुढ़ा हो गया तो खांसते रहे।